इतना घटिया इंसान हम नहीं देखे कभी जिंदगी में कि इस तरह घटिया काम कर सकता है, इतना क्रूर भी इंसान हो सकता है। यही बोल रहा था ठीक है, उसका भी अंतिम सोच लो गल गया। नमस्कार दोस्तों, बहुत दुख की बात है, मुझे बहुत खराब लग रहा है कि हम मनुष्य कहलाते हैं, हमारा अंदर मान और होश दोनों है, इसलिए और जिस दिन हमारा अंदर में ये मान होश विवेक बुद्धि सब खत्म हो जाए तो हम जानवर कहलाने कम नहीं होंगे। दोस्तों एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आज देखिए बहुत ही दर्दनाक घटना है, कुछ व्यक्ति के अंदर में आज जो है जानवर से भी ज़्यादा हद तक गिरे हुए हैं। वो क्या किए हैं, ये कुत्ते के छोटा छोटा बच्चे को पॉपीज को इसको बोरा में डालकर बांध कर जंगल में आके फेंक दिया और लगातार ये 4 से 7 दिन से बिना खाए जंगल में यहाँ पड़ा हुआ बोरा के अंदर में और सड़ चुका है। ऑलरेडी देखिए आप लोग यहाँ 3 बच्चा लगभग मर चुका है और मरने के बाद एक तो सड़ चुका है और एक तो ऑलरेडी ये भी मर चुका है। तो दोस्तों आप सभी को अनुरोध करता हूँ कि इंसान के अंदर में अगर जिस दिन विवेक बुद्धि तकलीफ सहने की ताकत नहीं हुई वो जानवर कहलाएंगे। तो इसलिए आप सभी को अनुरोध है कि इस तरह काम कभी मत करें, इसको ना खिलाए ना, लेकिन इस तरह तकलीफ दे के ना मारे। जो भी इंसान किए उसके लिए उन्हें क्या कहे, मेरे शब्द नहीं है। इतना घटिया इंसान हम नहीं देखे कभी जिंदगी में कि इस तरह घटिया काम कर सकता है, इतना क्रूर भी इंसान हो सकता है। देखिए ये भाई साहब, इनका नाम, आपका क्या नाम है? कमलेश कुमार कुशवाहा। कमलेश कुमार कुशवाहा, ये देखिए बोरा देखिए, और इनको ये जंगल तरफ ये आए थे, यहाँ 2-3 दिन से इसको लग रहा था कि आवाज आ रहा था, ये सोचे कि हो सकता सियार का बच्चा है मांद में बिल में, इसलिए डरे नहीं आ रहे थे, लेकिन आज हिम्मत करके आए। यहाँ देखें कि बोरा का अंदर में बांधा हुआ 3-4 को कुत्ता के बच्चे को, और फिर खोल के इसको रिलीज किया, हमें सूचना दी, हम आए यहाँ पर। बहुत दुख की बात है कि इतना भी घटिया इंसान है दुनिया में, इतना घटिया काम कर सकते, उनका अंदर में विवेक बुद्धि मान थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं। अगर इस तरह आपके बच्चे को कोई बोरा में बांध के फेंक दे तो सोचिए कितना तकलीफ होगा, कितना तकलीफ दे उसका साथ, 6-7 दिन से कितना परेशान होगा वो लोग। अब देखिए देखते ही ये लोग कैसा हमारे पास आ चुका है। बोरा ये ले लिया होता, कार्टून ले, कार्टून ले, मानो उसको उसी लोग काटने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों आपके आसपास में ऐसा कोई अगर होता है, कोई जानवर को मुसीबत में है, तकलीफ में है, बेसहारा बेचारा, इसके पास कोई नहीं है देखने के लिए, हम इंसान सबसे बड़ा दर्जा दिए गए हैं, हम इंसान को सबसे बड़े दर्जा दिए गए, इसलिए हमारे पास बान बुद्धि सब कुछ है, हम भगवान हमारे पास सब कुछ दिया है। तो यह हम अपने लिए नहीं, दूसरे के भी जो जानवर है उसको भी देखभाल करें, तभी हम इंसान कहलाएंगे, तभी हम मनुष्य कहलाएंगे। मनुष्य का मतलब खाली कपड़ा पहन लेना, कमाना खाना अपने लिए नहीं, वो जानवर भी कमाना खाता है, बच्चा पैदा करता है, तो आप या इंसान में क्या जानवर में क्या फर्क है? कम से कम इतना तो बनी है, मनुष्यत्व बनी है, ह्यूमैनिटी अपना अंदर रखिए, इस तरह जानवर को कभी तकलीफ ना दे। नहीं रखना कुत्ते के बच्चे को, लेके कहीं जंगल में छोड़ दीजिए, आसपास में छोड़ दीजिए, या आपके शहर में कहीं पर भी ऐसा जानवर रेस्क्यू होम है वहाँ पर जाकर छोड़ दीजिए, लेकिन इतना तकलीफ देके किसी को मत मारिए। दोस्तों आप सब बने रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि सबका अंदर में कम से कम इंसानियत जगे।
दोस्तों आज के लिए इतना ही, और इन भाई साहब रमेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ फोन किए थे, बहुत अच्छा लगा, और कम से कम ये 3 जानवरों का जिंदगी जान बचा है। दोस्तों जय हिंद जय भारत, चलो ले रहा पियो, ये उसी में पी रहा, पियो जा पी रहा, पियो हाँ हाँ, थोड़ा जो रोटी दे देते हैं ना इसमें, जो रोटी ला छोटा छोटा खाता, निकलने को